हेलो एवरीवन, वेलकम टू तरुणायस अकेडमी, दिस साइड सौम्या। स्वागत करते हैं आप सभी का तरुणायस अकेडमी में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बांग्लादेश में अनरेस्ट हो चुका है। जी हाँ, ऑलरेडी 39 डेथ्स हो चुकी हैं। बात है बांग्लादेश में हुआ क्या है, इसके बारे में जो है विशेष रूप से इन डिटेल पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो एक एडवाइजरी इशू की गई है, और इस एडवाइजरी के तहत सरकार के द्वारा एक एडवाइजरी इशू गई है जिसमें बोला गया है कि जो लोग बांग्लादेश में, जो इंडियन लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं, उनको साफ तौर पर बोला जा रहा है कि भाई आप जो है अपने घरों से बाहर मत निकलिए, या घरों से बाहर निकलना जो है वो उसको अवॉइड कीजिए। वहीं अब बात जो है, जो बांग्लादेश में नहीं है जो भारतीय और घूमने के लिए प्लान कर रहे हैं बांग्लादेश में जाने के लिए, तो सरकार ने साफ तौर पे बोला है कि कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए जो है बांग्लादेश विजिट जो है उसको टाल दीजिए। अब ऐसा क्यों सरकार ने बोला है, दरअसल वहां पे जो है जोरदार प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, और प्रोटेस्ट की आड़ में जो है एक तरीके से लूटपाट और वॉयलेंस जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। अब बात क्या है, बात है ये प्रोटेस्ट जो है वो स्टूडेंट्स के द्वारा स्टार्ट किया गया, और ये प्रोटेस्ट जो है ये सभी जगह पे देखने को मिल रहा है, जैसे चाहे स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, या यूनिवर्सिटीज़ हों, या फिर आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे। अब बात ये है कि ये जो प्रोटेस्ट है आपका, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी कई सारे लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। ऑफिशियल डाटा की अगर बात करें तो अभी 40+ लोग मारे जा चुके हैं, बट अगर जो रियल अगर हम सिनेरियो देखें तो इससे कई गुना ज़्यादा जो है यहाँ पे ओवरऑल लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। यहां तक स्थिति इतनी खराब है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी डिप्लॉय कर दिया गया है बांग्लादेश में। अब आप ये सोचिए कि पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाने तक की नौबत पड़ गई है प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, तो स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर होगी। अब बात है ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं, क्या है ये पूरा मुद्दा, डिटेल से स्टार्टिंग से बिल्कुल हम यहां पर जानेंगे। अब बांग्लादेश में जो है जॉब्स हो, चाहे कॉलेज में एडमिशन हो, चाहे स्कूल्स में एडमिशन हो, तो कोटा यानी कि रिजर्वेशन कोटा जो है वो दिया जाता है। अब कोटा जो है वो हर देश में जो है अप्लाई किया जाता है, बट बांग्लादेश में आप कह सकते हो कि रिजर्वेशन जो है वो थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है। और इसी के चलते जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। दरअसल बात यह है कि जो ऑलरेडी कोटा रिजर्वेशन है वो बहुत सारे कास्ट, जैसे कि आपके ओबीसी यानी बैकवर्ड क्लासेस को, डिसेबिलिटी क्लासेस को, वुमेन्स को, और फ्रीडम फाइटर्स को जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा और भी कई अन्य कैटेगरीज हैं जिनमें कोटा जो है वो दिया जाता है। अब बात यह है कि जो फ्रीडम फाइटर वाला कोटा है, यहाँ पे 30% का रिजर्वेशन जो है वो जो है उसको दिया गया था आज के 25 साल पहले, बट उसके बाद जो है लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्होंने कहा कि अगर इतना ज़्यादा रिजर्वेशन होगा तो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ पर जो है अप्लाई करेंगे, उनके लिए तो बहुत कम अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। और इसी कारणवश जो है कोटे को हटा दिया गया, यानी कि जो 30% कोटा फ्रीडम फाइटर को दिया जाता है इसको रिमूव कर दिया गया। बट हाल ही में हाईकोर्ट की जजमेंट आई है, और हाईकोर्ट की जजमेंट पे साफ तौर पे बोला गया है, डायरेक्शन दिया है जजमेंट में कि ये कोटे को जो है, यानी कि फ्रीडम फाइटर कोटे को जो है आप वापस से लागू करिए। बस इसी को लेके जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर जो है एक आक्रोश जाग उठा, और कुल मिला के वो जो है सड़कों पर आ गए। अब बात यह है कि देखिए रिजर्वेशन जो है अगर हद से ज़्यादा दिया जाए तो प्रॉब्लम तो होती ही है। जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वही दिक्कतें फेस करने को मिल रही हैं, चाहे जॉब हो, चाहे कॉलेज में एडमिशन हो, या स्कूल में एडमिशन्स हो। दरअसल ये पूरा जो मुद्दा है ये कोटे को लेके ही मुद्दा है, जहां रिजर्व्ड सीट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, कि जो जिनके पास रिजर्वेशन नहीं है वो जो है उसमें मात खा रहे हैं, और यही लोग जो है बिल्कुल मिला के यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब दरअसल प्रोटेस्टर्स में भी दो ग्रुप्स बढ़ चुके हैं। पहला ग्रुप जो कि इस कोटे को सही बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है कहीं ना कहीं फ्रीडम फाइटर की फैमिली से लिंक करते हैं, जो इस कोटे को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि साफ तौर पर उन्हें दिख रहा है कि उन्हें 30% रिजर्वेशन दिया जाएगा। वहीं दूसरे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जो है इस ओवरऑल जजमेंट के खिलाफ हैं, यानी कि वो खिलाफ हैं कि 30% जो कोटा है वो फ्रीडम फाइटर्स को दिया जाए। अब बात यह है कि ये जो
मुद्दा है ये बढ़ता ही जा रहा है। पहले जो प्रोटेस्ट थी वो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रही थी, बट अब देखा जा रहा है कि वो जो है वॉयलेंस में बदल गए, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोटेस्ट की आड़ में जो है कुल मिला के कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, जैसे चोरियाँ बढ़ जाती हैं, डकैत बढ़ जाते हैं, और जो गुंडे मवाली हैं वो भी सड़कों पर आके जो है गलत गलत काम करने लग जाते हैं, लूटपाट जो है वो बढ़ जाती है, बदतमीजी जो है वो बढ़ जाती है महिलाओं और बच्चों के साथ। तो यही मुद्दा है यहाँ पे कि वॉयलेंस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि पैरामिलिट्री को भी जो है यहाँ पे बांग्लादेश को उतारना पड़ा। अब इसके सबके चलते जो पीएम है बांग्लादेश की शेख हसीना, उन पर जो है सारी आंखें टिकी हुई हैं कि उनके लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन इस वक्त आ चुकी है कि किस तरीके से जो है यहाँ पे पूरी बांग्लादेश की स्थिति में जो है वो सुधार ला पाएंगी, क्या वो सुधार ला पाएंगी, नहीं ला पाएंगी, किस तरीके से जो है सॉल्यूशन किया जाएगा। हालांकि जो शेख हसीना है उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अप्रोच उन्होंने किया है बातचीत करने के लिए कि बातचीत के मुद्दे से जो है चीज़ों को हल किया जा सके, बट स्टूडेंट्स ने साफ तौर पर जो है अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है, उन्होंने जो है कोटे को हटाने की मांग की है और इसी को लेके जो है ये पूरा मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है आज की अगर बात करें तो आग से जूझ रहा है, कोटे की आग से जो है जूझ रहा है, देखना होगा कि क्या कुछ डिसीजन जो है वहां पे आता है। बट उसके लिए कुछ भी अगर अपडेट होगा इसके रिगार्डिंग तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू टेक इट आउट फ्रॉम यू। और अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।